गाइस देख सकते हो मैंने जियो फोन से स्मार्टफोन में कॉल लगा दिया। मैं जैसे उठा था वो कुछ देख सकते हो यहाँ पर वीडियो कॉलिंग हो रही है गाइस जियो फोन से स्मार्टफोन में। सो गाइस फाइनली आप लोगों के लिए और एक जबरदस्त वीडियो लेकर आ गई हूँ गाइस। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपके पास जियो फोन है तो जियो फोन से कैसे स्मार्टफोन में वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। तो आप लोग यही सोचते हो सिर्फ जियो फोन ही वीडियो कॉलिंग किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जियो फोन से स्मार्टफोन पर भी वीडियो कॉलिंग किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सा सेटिंग करने के बाद आप जियो फोन से स्मार्टफोन में वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। इन सारे वीडियो को डिस्कस करने वाले, तो वीडियो आखिर तक देना। चैनल पर नया तो गाइस सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर ऑल पर सेट कर देना, कैसे इस तरह से वीडियो में जॉब अपलोड करूंगा सबसे पहले आपसे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर दे गाइस। सो गाइस फाइनली मैं फ़ोन पे आ गया हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या क्या टिप्स करने के बाद आपकी जियो फोन से स्मार्टफोन में वीडियो कॉलिंग कर पाओगे। तो गाइस ध्यान से देखना है, बाद में आपके फ़ोन में ट्राई करना। तो जैसे कि आपकी स्मार्टफोन ले ले रहे हैं, उसके बाद आपकी स्मार्टफोन में प्ले स्टोर में चले जाना है पहला गाइस। तो उसके बाद आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसका नाम है जियो चैट। तो उस वाली एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चाहो तो प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर सकते हो, ईजिली मिल जाएगा। तो आपको इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है स्मार्टफोन में। तो उसके बाद आपको लॉग इन करना है, वही एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे ओपन करोगे आपके सामने देन ऐसा इंटरफेस शो होगा, आपके सिम से मोबाइल नंबर दे लॉग इन कर लेना है। तो मैं जैसे मोबाइल नंबर दे लॉग इन करता हूँ गाइस। तो उसके बाद आपकी वही नंबर के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद क्लिक कर देना है, देन उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा गाइस वेरीफिकेशन के लिए। तो एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, वो ओटीपी ऑटोमेटिक आपकी फ़ोन एक्सेस कर लेगा। तो जैसे कि ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लिया, उसके बाद कुछ इस तरह से पेज में आपको लेकर जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली सा पहले आपको नेम डाल देना है, जो भी नाम आप दे सकते हो। तो मैं जैसे के लिख देता हूँ, पूरा नाम नेर ही डालूंगा। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं जैसे मेल हूँ तो मैं सिंपली सा क्लिक कर देता हूँ। तो ऐसा करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा गाइस। तो उसके बाद अभी ध्यान से देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आपको नीचे प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, देन चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे ऊपर में एक सर्च बटन देखने के लिए मिल जाएगा, उस सर्च में आपको क्लिक कर देना है, उस मोबाइल का नंबर आपको सर्च कर लेना है। तो मैं जैसे उस नंबर को सर्च कर लिया, तो उसके बाद आपको वही नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा गाइस। यहाँ पर देख सकते हो इनवाइट का एक ऑप्शन है, उस इनवाइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, देन ओके कर देना है। तो ऐसा करने के बाद गाइस और एक छोटा सा काम करना है, नीचे देख सकते हो फी एसएमएस का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, उस वाली ऑप्शन पे आपको देन कुछ भी लिख कर सर्च कर लेना है। तो मैं जैसे कुछ भी भेज देता हूँ उस नंबर पे। तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, स्मार्टफोन में सारे काम कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो अभी जियो फोन का कुछ काम होता है गाइस, वो करना पड़ेगा, तो अब जाके वीडियो कॉलिंग होगा गाइस। तो आपको सिंपली सा सबूज बटन होता है जैसे जियो फोन में, उसको प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद जियो वीडियो कॉलिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगा गाइस। तो उसके बाद आपको सोमी से इस तरह से आना है, इसके बाद स्टोरीज की बगल में और एक ऑप्शन है, तो उसके बाद उस ऑप्शन पे आपको लेकर जाना है, कॉन्फिडेंस बोलकर ऑप्शन, उस वाली ऑप्शन पे आपको लेकर जाना है। देन ऐसा ऑप्शन शो होगा, आपको नेक्स्ट मार के आपको जाना है। जाने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन देख सकते हो न्यू कॉन्फिडेंस रूम, तो उस वाली ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना है। उसके बाद इस मोबाइल का नंबर वहाँ पर सर्च कर लेना है। तो मैं जैसे उस मोबाइल का नंबर यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर वही नंबर आ जाएगा गाइस। तो उसी भी देख सकते आ गया। तो उसके बाद उस नंबर के ऊपर टिक कर देना है, एक बार ओके करोगे तो टिक हो जाएगा। तो उसके बाद नीचे देन क्रिएट करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उस क्रिएट वाली ऑप्शन का क्लिक कर देना है। तो उसके बाद उस रूम का नाम दे देना है, जैसे कि उस फोन में कैद दिया था, इस फोन में भी कुछ वैसा ही मैं कैद डाल देता हूँ, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो गाइस। उसके बाद क्रिएट वाली ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक करोगे उस फोन का नंबर यहाँ पर शो होगा गाइस। तो उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग करना है, उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा गाइस। तो कुछ इस तरीके से आपकी रूम क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि के नाम के रूम क्रिएट हो गया। उसके बाद अभी स्मार्टफोन में एक सेटिंग करना है, तो जैसे कि स्मार्टफोन में जियो चैट को ओपन कर लेना है। तो उसके बाद गाइस देख सकते हो वीडियो कॉलिंग का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर शो कर गया गाइस। तो उसके बाद मैं वीडियो कॉलिंग करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो जियो फोन से यहाँ पर देख सकते हो स्मार्टफोन में जाने के बाद आपको सिंपली से वीडियो कॉलिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देन कैमरा को एक्सेस कर देना है, वॉइस को एक्सेस कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो थोड़ा सा लोडिंग करते हैं। उसके बाद देखोगे इस फोन में कॉल आ जाएगा, तो देख सकते हो कॉल आ गया। तो मैं साउंड को बंद कर दिया आप लोगों को, इसलिए साउंड सुनाई नहीं दे रहा, बट कॉल आ रहा है गाइस। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे
एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर लोडिंग होगा क्योंकि जियो फोन में वीडियो कॉलिंग ऑप्शन ओपन होने में थोड़ी सी देरी होता है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर फाइनली वीडियो कॉल ओपन हो चुका है गाइस, देख सकते हो वीडियो कॉलिंग हो रहा है गाइस जियो फोन स्मार्टफोन से जियो फोन में गाइस। कुछ इस तरीके से देख तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मेरा फेस दिख रहा है गाइस, मतलब मैं कैमरा का वीडियो बना लूँ कैमरा में यहाँ पर फोन देख रहा है गाइस। कुछ इस तरीके से काफ़ी कमाल तरीके से आप वीडियो कॉलिंग कर पाओगे गाइस। तो अभी बताएंगे कैसे जियो फोन से स्मार्टफोन में वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। तो काफ़ी सारे बंदे जियो फोन से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जियो फोन में यहाँ पर पेस एंड होल्ड करना सबूज बटन जो होता है मैं पहले ही बताया, तो उसको पेस एंड होल्ड करोगे जैसे आपके जियो वीडियो कॉलिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो जियो वीडियो कॉलिंग ऑप्शन जियो चैट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंस को जो क्रिएट किया था उस वाली ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना, वही नंबर के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो के नाम पे कैंपेन सिलेक्ट किया था उस नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है, देन इस फोन में वीडियो कॉलिंग आ जाएगा गाइस। तो देख सकते हो कॉल लगा दिया, उसके बाद देख सकते हो इस फोन में वीडियो कॉलिंग आ गया है। तो मैं जैसे यहाँ पर सबूज बटन दिख रहा है गाइस व्हाट्सअप की तरह है गाइस, तो उसके ऊपर क्लिक किया जैसे यहाँ पर देख सकते हो वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो चुका है गाइस। कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है इसलिए अच्छे से फेस नहीं दिख रहा है, बट वीडियो कॉलिंग आप आराम से कर सकते हो, आपके एरिया में इंटरनेट काफ़ी सही है। तो गाइस तो कुछ इस तरीके से आप जियो फोन से स्मार्टफोन में इजीली वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। सो आई होप लोग ये वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।